मन की बात कार्यक्रम में बोलने से पहले पीएम मोदी ने पूरे देश को रक्षाबंधन और आने वाली जन्माष्टमी की बधाई दी। उन्होंने कहा, सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। यह भाई और बहन के आपसी प्रेम का प्रतीक पर्व है। तो मन की बात में पीएम ने केरल में आई भीषण बाढ़ से जान गंवाने वालों के परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा, बाढ़ ने केरल के लोगों का जीवन बुरी तरह प्रभावित किया है। पूरा देश संकट की इस घड़ी में केरल के साथ खड़ा है। केरल में किए जा रहे राहत कार्यों की तारीफ करते हुए पीएम ने कहा, सशस्त्र बलों के जवान केरल के बचाव कार्यों के नायक हैं। जवानों ने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। 4 पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया। उन्होंने कहा, 16 अगस्त को जब अटल के निधन का समाचार मिला तो सभी शोक में डूब गए थे। पीएम ने यह भी बताया कि अटल ऐसे राष्ट्र नेता थे जिन्होंने 14 साल पहले पीएम पद छोड़ दिया था। पीएम ने मन की बात में महिला सुरक्षा के मुद्दे का जिक्र किया। उन्होंने कहा, रेप के दोषियों के खिलाफ संसद में कानून लाया गया। मध्य प्रदेश के मंदसौर कोर्ट ने बहुत कम समय में दोषी को फांसी की सजा सुनाई। 6 तलाक के मुद्दे पर पीएम मोदी ने कहा, मैं मुस्लिम महिलाओं को विश्वास दिलाता हूं कि पूरा देश उन्हें न्याय दिलाने के लिए खड़ा है। पीएम ने भाषा के महत्व पर भी बात की। उन्होंने कहा, हर भाषा का एक महत्व होता है। देश को इस बात पर गर्व है कि तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषा है। संस्कृत भाषा ने भी ज्ञान के प्रचार में बड़ी भूमिका निभाई है। 8 पीएम ने 5 सितंबर को होने वाले शिक्षक दिवस के लिए भी अग्रिम बधाई दी। उन्होंने कहा, मैं अपने देश के सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।